किसानों ने शहर में रैली निकालकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर ब्लॉक अध्यक्ष मोनू चौहान ने बताया कि उन्होंने मांग रखी थी कि 7 दिनों के अंदर किसानों का प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की सोयाबीन, उड़द, तुअर, मक्का और धान की फसलें नष्ट हो गई हैं। पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द शासन द्वारा राहत राशि प्रदान की जानी चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार सोनी ने बताया कि किसान संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जो कि समस्याओं को देखते हुए सरकार को भेज दिया गया है। वर्तमान में खरीफ फसल जो लगी हुई है किसान की, सोयाबीन और धान, ये अतिवृष्टि के कारण खराब हो चुकी है। और पिछले 3-4 दिनों में जो भारी बारिश हुई है हवा पानी के साथ, उसमें धान की फसल भी लगभग 60-70% आड़ी हो चुकी है। तो हम ये शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल का और धान की फसल का हल्का के हिसाब से सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पर किसान को उचित मुआवजा की व्यवस्था शासन द्वारा की जाए। इस संबंध में आज तहसील में ज्ञापन देने के लिए किसान, तो बीमा जैसे मान लो अपने KCC में बैंकों में जो पैसे अपने कट रहे हैं, तो उसका आज तक पैसा किसी, हर बार किसी न किसी किसान का नुकसान होता है, हल्का नंबर पे होता है, तहसील स्तर पे होता है। आज तक किसानों को यही नहीं मालूम, अधिकारी को नहीं मालूम कि किस हिसाब से जे हम पटवारी से पूछते तो मुझे बोलते कल तहसील स्तर पे हल्का नंबर पे है। कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे आप? जी, तो सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारे बीमा कट रहे हैं, मान लो और कंपनी वो लोगों को बीमा हो रहे तुरंत मिल रहे हैं, आप बीमा का मतलब क्या है? कुछ किसान पलारी की ओर से आए थे गांव में, और उन गांव के किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में बताया गया है कि उनके गांव में कुछ अभी बरसात के कारण फसल क्षति हुई है। एक फसल क्षति का मुद्दा उस ज्ञापन में मुख्य रूप से था। दूसरा मुद्दा यह था कि उस गाँव में विद्युत प्रदाय में कुछ DP में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो एक DP का मुद्दा था। और उनकी फसल बीमा और फसल गिरदावरी में बता रहे हैं कि PM किसान में कुछ नामों का उनका छूटना बताया गया था। तो जो भी है उस संबंध में हम लोगों ने जांच की है, और उन्होंने ज्ञापन हमें मुख्यमंत्री जी के लिए भेजा था, जिसका हम कवरिंग लगाकर हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और जो उनकी फसल क्षति का बता रहे हैं, तो फसल क्षति का सर्वे हमारी तहसील की ओर से हमारे पटवारी साहिबान RI साहब और हम लोग भी लगातार ग्रामों में भ्रमण करके उसका सर्वे करवा रहे हैं, और लगातार उसके सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम उसमें संबंधित को मुआवजा बांटेंगे। और जो विद्युत प्रदाय की समस्या है, विद्युत प्रदाय के लिए संबंधित विभाग को हमारे द्वारा सूचना फोन से अवगत कराया जा चुका है, उसका भी निराकरण वो उनकी ओर से आश्वासन दिया शीघ्र हो जाएगा।